हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम 4 बजे से, क्योंकि आज हमारा गजू का लुट्टा बनने वाला है। तो ये हमारा पुराना वाला लुट्टा है और ये नया बन रहा है, एक नया पराल वाला ये है। और काबू की मोम बना रही है, मम्मी फेंक रही है ये लकड़ी का जो अभी हमने बड़े मुश्किल से लगा है। ये पत्थर थे इसके नीचे से, इसके नीचे पहले लकड़ी रखी है, ऊपर से बन रहे हैं। लूट बच्चे हैं और कितना बड़ा भारी लेके जा रहे हैं लोग। दो लोग गए ताऊ लोगों के उधर आए, जिसके साइड इफेक्ट ही ये हैं। ये ऐसी जगह घुसते हैं ना, बाद में पता चलता है रात में सोने वक्त, जब ये चुपते हैं ऐसी जगह चुपते हैं बता नहीं सकते गाइज। अंडरवियर में चुपकर हमेरा एक ऐसा ही सबके साथ होता है, वैसे कोई बताते हैं कोई नहीं बताते, मैंने बता दिया। कल मैं बस झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते वो गाइस फाइनली हम लोगों ने बना दिया है और बहुत प्यारा लुट्टा बनाया वो। अभी मैं ले जा रही हूँ दराती, इससे पता नहीं क्या करेंगे, मुझे पता नहीं है। आज अम्मा का श्राद्ध भी था तो वो भी पूजा हुई और सब लोगों के घर में हुई उसकी पूजा। अब दराती से ही आई ना, वैसे आ गई थी ना लुट्टे से, लुट्टे के सहारे नीचे को आ गई थी, बट यहाँ थोड़ा सा अलग है, यहाँ सीढ़ी के सहारे से नीचे को आते हैं, ऊपर तो खैर लुट्टे तो के। ये चीज यहाँ का मुझे सही लगा। और ये छोटे छोटे युवा सीढ़ी वाला, मैं सही हूँ मम्मी बोलिए क्या ना, तब बता रही मैं सीढ़ी वाला सही है यहाँ सिस्टम। और छोटे छोटे कांटे होते हैं, ये कांटे नहीं है पता नहीं क्या बोलेंगे, बट ऐसे चुपते ना गाय जी पहाड़ में से कम और बोलते हैं। ये देखो हथियार है, ये हथियार। अब देखो ऐसे नीचे को, और ये फाइनली इतना बड़ा लुट्टा बन गया गाइज हमारा। हाँ, अभी सियार में आए मेन रोड में, बिकॉज हम लोग हल्द्वानी के लिए कुछ सामान भेजे हैं और मेरा सामान भी उधर से आने वाला है, तो यहाँ पे गाड़ी वाले भैया का वेट कर रहे हैं कि गाड़ी है। पहले हम लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करते थे। और आज का मौसम देखो गाइज बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, सुबह के बजे 8 और सुहाना मौसम, घने घने बादल, वाह कितना प्यारा आ रहा है यार ये सच में बादल। यहाँ पे दो गाड़ियाँ ऐसे मिली हैं, देखो गाइस बाप रे ऐसे मिलते हैं। मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है ना सिया, और नदी भी साफ आई है, और सिया मैं खेत में चाय भी लेके आए और बोली थी, और हर्षु और मानी भी आए मिट्टी के डंडे खोलने के लिए। हमारी हल्की जुताई कर ली है और सिया में आ गए सामान पहुंचाने के बाद। अब सिया को जाना है मिट्टी के डल्ले फोड़ने, मुझे जाना है घर नाश्ता बनाने, और ताऊ अभी यहाँ पे फोड़ने। देख रहे सिया कितना प्यारा व्यू आ रहा ना, और पूरन भैया आए आजकल घर और ताऊ हैं आगे से, ये हमारे वहाँ पे नंदू भैया, ये सिया के पापा देखो। हम लोग पहुँचे हैं कालीनाग जी के मंदिर पे, तो आप लोगों को मंदिर के दर्शन करा देती हूँ मैं। जय कालीनाग जी। आप बोलते होंगे कि मंदिर के दर्शन कराती हूँ, बोलते कराती नहीं है, क्योंकि मंदिर में हमेशा ऐसे नहीं जा सकते ना गाइस, पूजा वगैरह में जाते हैं तो यहीं से मंदिर के लिए जाते हैं। और देखो सिया की छोटी सिस्टर ही माने क्या कर रही, खेत में दो मिट्टी के डल्ले फोड़ लिए। हर्षु कहाँ गया, कहाँ घर चले गया, और हर्षु सी माने को अकेले छोड़ के चले गए। ये हमारे गांव के कामदार बच्चे सिया और हिमानी, इनके भाई ने इन्हें धोखा दे दिया, घर भाग गया हर्षु ना सुबह, वो छोटा बच्चा है क्या धोखा देगा गाय जो ऐसे मजाक है। और हिमानी ने यहाँ पे तक फोड़ रखा था सिया के आने तक। सो गाइज अभी मैं बना रही हूँ पकौड़े, मिक्स पकौड़े बना रही हूँ, आज कल प्याज के बनाए थे और अभी मैंने अमरूद खा लिया, मिर्च नमक पीछे भी नमक के साथ, आज भी मैंने चूक खाया था तो वो पूरा मिर्च मिर्च लग गया। और मैं आज बना रही हूँ मिक्स पकौड़े, हरी सब्जी, मूली के पत्ते, मतलब इसमें राई, मूली के पत्ते, प्याज,
और ये क्या है, बेसन और हरी मिर्च, हल्दी, अब नमक डालती हूँ इसमें मैं। और तेल यहाँ पे गरम करने के लिए रख दिया, ये कल की कढ़ाई इसलिए कल का थोड़ा सा बचा है ना। मसाला रेडी और थोड़ा सा नमक कम हुआ था तो मैंने नमक डाल दिया इसमें। और कल हमने ताई को नहीं दिया था क्योंकि ताई सूख गई थी, सो आज मैंने ज़्यादा बनाया ये तो सबको देंगे। तेल भी गर्म हो गया तो बनाते हैं गाइस। मैंने आलू भी डाले हैं तो भूल गई थी मैं। सो ये डाल दिया मैंने यहाँ पे। और एक आलू वाला भी डाल दिया गाइस, तो देखते हैं कैसा बनता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आग बहुत कम कर रखा है क्योंकि कल जल गए थे हमारे पकौड़े, तो आज नहीं जलने गाइस। किसे खाने गाइस कमेंट करो, किसको खाना होगा तो कमेंट करना, मैं उनके लिए पक्का बना लूँगी गाइस। बट वो मेरे नियर बाई एरिया में हो जो खाए। कितना प्यारा कलर आया है इन पकौड़ों का, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो गाय जहाँ पे ताई के लिए दे दिया था मैंने एक कटोरे में, और ताई ने उसके बदले में राई की सब्जी दे रखी है और कुछ बन जाए, और पार की अम्मा को भी दे दिया टेस्ट कराने के लिए। थोड़े से भगवान जी के लिए रखे हैं, पहाड़ में से बोलते हैं पर रखना, रखते हैं अपने घर के देवी देवताओं के लिए, सब सब लोगों के लिए। तो मैंने भी टेस्ट किया, अच्छा लगा, मम्मी को भी अच्छा लगा। तो गाय और बनाते हैं और बचे। आप लोगों को ब्लॉग मेरा कल सुबह 8 बजे भी देखने के लिए मिलेगा, तो कल से मैं सुबह ही डालूंगी। वैसे मैंने शाम को इसलिए डालना शुरू किया था क्योंकि नेट नहीं चल रहा, बट शाम को भी बहुत दिक्कत हो जा रही है तो सुबह ही ब्लॉग डाला करूंगी। तो गाइस कल सुबह भी ब्लॉग देखना मत भूलना। बाय बाय, गुड नाइट, सुप्राजू, टेक केयर, टाटा।